हाँ जी जरा बताना आवाज आ रही है कि नहीं। हाँ एक बार जरा जल्दी से बता दो आवाज क्लियर है कि नहीं। चलो तो कल के टॉपिक में कोई डाउट? चलिए तो नेक्स्ट थिंग इज एनिमल्स का सेकंड पार्ट, वर्टिब्रेट्स, कशेरुकी। अब देखो ये वाला पार्ट मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट लेवल पर पढ़ा रहा हूँ, मतलब डिफरेंशिएशन करके पढ़ा रहा हूँ जिससे आप लोगों को इजीली समझ में आए। तो तीन कॉलम बनाएंगे हम, एक बनाएंगे किसका, ठीक है, सबसे पहले फिशेस का जिसे हम पाइसेस भी बोलते हैं, मतलब मत्स्य वर्ग। एक बनाएंगे हम किसका, दैट इज एम्फीबियंस का, उभयचर का। एक बताएंगे हम किसका, ठीक है, दैट इज आपका रेप्टाइल्स का, सरीसृप का। तो सबसे पहले हैबिटाट, आवास। एग्जाम से पहले दर्शन दे दीजिएगा। हाँ दे दूंगा, आई यूज टू लिव अलोन ना, इसलिए मेरे पैर में ज्यादा दिक्कत है, सारा काम खुद से करना पड़ता है। ठीक है, तो फिशेस, एम्फीबियन, सरीसृप, ठीक है, तो मत्स्य, उभयचर और सरीसृप। तो हैबिटाट पहली चीज, रहते कहाँ है? तो आप सभी को पता है फिशेस का हैबिटाट क्या है, एक्वाटिक होता है, जलीय होता है, मतलब पानी के बिना नहीं रह सकती। सभी ने कहानी भी सुना है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, ठीक है, बाहर निकालो छटक जाएगी, ठीक है। उभयचर, उभयचर ये आपका एक्वाटिक, मतलब जलीय भी होते एंड लैंड भी रहते, जलीय एवं भूमि पे। तीन नंबर का हिंदी क्या है, सरीसृप, रेंगने वाले जीव नॉर्मल भाषा में। और रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स मोस्टली लैंड पर रहते हैं, ऐसा नहीं है कि पानी में नहीं मिलते, कईयों सारे आपके जैसे क्रोकोडाइल वगैरह पानी के अंदर भी रहता है, पानी के बाहर भी रहता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये लैंड पर बिताते हैं, ज्यादातर लैंड पर। अच्छा बायो वाला कौन है तुम में से? बायो वाला कौन है? चलो 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 चलो, तो एक चीज मेरे को बताओ, एम्फीबियंस की डेफिनेशन क्या होती है, उभयचरों की डेफिनेशन क्या होती है? बायो वालों से क्वेश्चन है सिर्फ ये, हिस्ट्री, हिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस और किसी से नहीं पूछ रहा मैं। व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ एम्फीबियंस, उभयचरों की एक्चुअल में परिभाषा क्या है? लिव ऑन बोथ लैंड एज वेल एज वॉटर। गलत जवाब। जो दोनों जगह पर रहते हैं, लैंड और वाटर। गलत जवाब, सोचो जब तक मैं दूसरा पॉइंट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो पहला पॉइंट हैबिटाट होगा, एक्वाटिक, जलीय, जलीय एवं भूमि, ज्यादातर भूमि। दूसरी चीज बॉडी, ठीक है, शरीर कैसा होता है इनका? इनका शरीर स्ट्रीमलाइन रहता है,
स्ट्रीमलाइन मतलब धारा रेखीय, आगे से थोड़ा सा तिकोना होता है, मतलब नुकीला सा होता है, ठीक है। और बॉडी कवर्ड विद, ठीक है, बॉडी कवर्ड विद स्केल्स। ठीक है, शरीर शल्कों से घिरा, तो बॉडी कवर्ड होती है किससे? स्केल से, शरीर शल्कों से आपका घिरा रहता है, ठीक है। इनका शरीर कैसा रहता है? इनका शरीर आपका मॉइस्ट और स्लाइमी रहता है, मॉइस्ट और स्लाइमी, ठीक है, मतलब नमीदार एवं चिपचिपा, ठीक है। और इनका शरीर कैसा रहता है? इनका शरीर पर ड्राई स्केल्स रहते हैं, सूखे शल्के रहते हैं, सूखे शल्के। और स्केल्स किससे बने होते हैं? केराटिन से, जल और थल में रहने वाले। गलत जवाब, ठीक है। तो बॉडी कवर्ड विद स्केल्स, ठीक है, शरीर आपका किससे घिरा रहता है? ठीक है, शल्कों से घिरा रहता है, और धारा रेखीय होता है मछलियों का। इनका शरीर कैसा होता है? मॉइस्ट और स्लाइमी, नमीदार एवं चिपचिपा होता है, और इनका शरीर सूखे शल्कों से घिरा होता है, जो पानी में और जमीन पर रहते हैं। दो जोड़ी पैर। गलत जवाब। चलो नेक्स्ट थिंग इज, तीसरी चीज, ब्लड, रक्त। इनमें भी रेड कलर का होता है, इनमें भी रेड कलर का होता है, इनमें भी रेड कलर का होता है। साथ ही साथ ये आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, ठीक है, मतलब शीत रक्त जीवधारी। इसी को साइंस में, ठीक है, आप पोइकिलोथर्मल बोलते हो। ये भी कैसे होते? कोल्ड ब्लडेड। और ये भी कैसे होते? कोल्ड ब्लडेड। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनता है कि कौन से कोल्ड ब्लड, ठीक है, शीत रक्त जीवधारी और शीत रक्त जीवधारी। देखो हम पढ़ रहे हैं कशेरुकी। सबसे पहले हम तीन कशेरुकियों को डिफाइन कर रहे हैं, फिशेस एम्फीबियन सरीसृप, मत्स्य वर्ग उभयचर सरीसृप। हैबिटाट आवास एक्वाटिक जलीय, एक्वाटिक एंड लैंड, जलीय एवं भूमि, मोस्टली लैंड, ज्यादातर भूमि पे मिलते हैं रेप्टाइल्स। बॉडी शरीर, ठीक है, इनका स्ट्रीमलाइन धारा रेखीय मतलब आगे की तरफ प्लेन जैसा नुकीला होता है, ठीक है। शरीर शल्कों से घिरा रहता है, कवर्ड विद स्केल, मॉइस्ट एंड स्लाइमी, नमीदार एवं चिपचिपा आपका रहता है, ठीक है, एम्फीबियंस का। ड्राई स्केल, सूखे शल्के रहते हैं, सूखे सूखे शल्के रहते हैं, ड्राई स्केल्स रहती है किसमें? रेप्टाइल्स में। ब्लड जो रहता है रेड कलर का रहता है, इसमें भी रेड कलर का रहता है, इसमें भी रेड कलर का भी रहता है, इसमें भी, बट तीनों के तीनों कैसे? शीत रक्त जीवधारी है, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड किसे कहते हैं? प्लीज एक्सप्लेन, अभी आगे पता लगेगा, डट जाओ जरा, पहले ये समझ लो कौन सी चीज क्या है, फिर कोल्ड ब्लडेड क्या होता है, ये क्या होता है, सब बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज हार्ट, हृदय के चैम्बर, हृदय प्रकोष्ठ। ठीक है, तो हार्ट के चैम्बर होते हैं, दो चैम्बर होते हैं किसमें? फिशेस में। तीन चैम्बर होते हैं एम्फीबियंस में, ठीक है, और इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट फोर, अपूर्णता विकसित चार, अपूर्णता विकसित चार, अपूर्णता विकसित चार भाग होते हैं किसमें? दैट इज आपके रेप्टाइल्स में, बट इसमें अपवाद आ जाता है, एक्सेप्शन आ जाता है, कि क्रोकोडाइल और एलिगेटर, क्रोकोडाइल और एलिगेटर,
इन दोनों के पास कितने होते हैं? चार चैंबर होते हैं, मगरमच्छ और आपका घड़ियाल में। क्लियर है? क्लियर है? सर कौन सी क्लास है? तुम्हें यही नहीं पता कौन सी क्लास है? सर टेरेस्ट्रियल कहेंगे सरीसृप को। हाँ मोस्टली लैंड या फिर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं। ठीक है ना। ओवी पेरस है, अंडायुज है या फिर वीवी पेरस है, जरायुज है। ओवी पेरस मतलब अंडे देने वाला। देखो ओ से जब भी हमें टीचर 00 देता था तो दो अंडे देता था, तो ओ से अंडे याद रखना। बीवी से बच्चा आता है तो बच्चे याद रखना। सर एम्फीबियंस का अपवाद है? नहीं, सरीसृप का अपवाद है। ठीक है, फिशेस में सारी फिशेस क्या देती है? ओवी पेरस होती है। सारी फिशेस कैसी होती है? ओवी पेरस होती है, अंडायुज होती है। अपवाद एक्सेप्शन। शार्क, ठीक है, सारे एम्फीबियंस ओवी पेरस होते, कोई एक्सेप्शन नहीं है, या अंडायुज होते। ठीक है, ओवी पेरस है, सारे के सारे रेप्टाइल्स ओवी पेरस होते, अंडायुज होते, बट एक्सेप्शंस है, अपवाद है यहां पे। वाइपर स्नेक, ये बच्चे पैदा करते हैं। वाइपर सांप, मैंने भी पढ़ा था हिमांशी मैम से वाईटी पर ही सीटेट के क्लास के लिए। मतलब क्रोकोडाइल और एलिगेटर में क्या अंतर है? सब बता दूंगा, डट जाओ। सर अपना चार चैम्बर लिखाया तो रेप्टाइल में, अरे हो काकी, मैंने बोला इनकम्प्लीट चार, अपूर्णतः विकसित चार। ठीक है, अपूर्णतः विकसित चार भाग, एक्सेप्शन अपवाद में। ठीक है, क्रोकोडाइल एलिगेटर में चार होते हैं पूरे, मतलब यहाँ 3.5 होते हैं। कहने का मतलब 3.5 नहीं लिख सकते, इनकम्प्लीट 4 लिखते। इतना क्लियर है? सर ब्लू वाला हटा दीजिए। अच्छा ब्लू वाला दिख रहा है क्या? इतना क्लियर है तो फिर से सुन लो। देखो आवास एक्वाटिक जलीय, किसका? फिशेज एक्वाटिक होती है, इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन धारा रेखी होती है और शल्कों से बॉडी घिरी हुई होती है। ब्लड रेड कलर का होता है बट शीत रक्त जीवधारी होते हैं फिशेस। हार्ट हृदय प्रकोष्ठ आपके दो चैम्बर होते हैं, दो भाग होते हैं, अंडायुज होते हैं, बट अपवाद शार्क है, शार्क बच्चे पैदा करती है। ठीक है, एम्फीबियंस में हमने क्या पढ़ा? ठीक है, एक्वाटिक जलीय एवं भूमि पे मिलते, ठीक है, और आपका नमीदार एवं चिपचिपा इनका शरीर होता है। ठीक है, रेड कलर होता है ब्लड का और शीत रक्त जीवधारी होते हैं, मतलब ठंडे खून वाले होते हैं। हृदय के प्रकोष्ठ 3 होते हैं और ओवी पेरस अंडायुज ये भी होते हैं। ठीक है, फिर आपने पढ़ा किसके बारे में? रेप्टाइल्स के बारे में, कि ज़्यादातर ये आपका भूमि पे मिलते हैं, मतलब मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते, बट कुछ आपके पानी में भी मिलेंगे, जैसे पानी वाले आपने सांप सुने होंगे। सूखे शल्के होते हैं बॉडी पे, ठीक है, रेड कलर इनका भी होता है, कोल्ड ब्लडेड होते, शीत रक्त जीवधारी होते, इनकम्प्लीट चार, अपूर्णता विकसित चार भाग होते हैं इनके हृदय के, बट अपवाद है कौन? क्रोकोडाइल और एलिगेटर, मगरमच्छ और घड़ियाल के चार भाग होते,
अंडायोज होते हैं, ठीक है, मतलब अंडे देते हैं, बट अपवाद है कौन, वाइपर स्नेक, वाइपर सांप बच्चे पैदा करते हैं। बुक आप लोग लिए थे सीटेट के लिए? अरे जो भी सीटेट दे रहा हूं मेरे को व्हाट्सएप कर देना, नोट्स दे दूंगा, पढ़ लेना, वरना अभी आखिरी में क्लासेस चलेंगी वो देख लेना, उनसे निकल जाए। ये देखो, आपस में ही बात कर लो सब, क्रोकोडाइल भी एक देता। हाँ जी, सर कशेरुकी लायन और बाकी लैंड एनिमल, बेटा पांच बना नहीं सकता था ना, तीन ही बन पाते, अभी बता दूंगा। आज सीटेट की क्लास नहीं हुई थी क्या? नहीं हुई थी, ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है सभी को? वाइपर के बाद में एक बार, वाइपर बेटा बच्चे देता है, जो भी वाइपर कैटेगरी के सांप होंगे, जैसे रसल वाइपर, पिट वाइपर, पिटलेस वाइपर, आपका टाइगर वाइपर, ठीक है, आपका क्या बोलते हैं, सौ स्केल वाइपर, ये सारे वाइपर सांप बच्चे पैदा करते, अंडे नहीं देते। बट अगर कोई तुमसे पूछे किंग कोबरा क्या देगा, तो किंग कोबरा अंडे देगा, बच्चे नहीं देगा। क्लियर है? आगे बढ़े। चलो अब देखो एग्जाम्पल्स, उदाहरण। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल किस में, पाइसेस। जितना बताऊं उतना ही याद रखे, सारी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं मछलियों के, जैसे कि शार्क हो गई, ठीक है, रोहू हो गई, कैटफिश हो गई, गोल्ड फिश हो गई, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ट्यूना हो गई। कोई ये मत बोलना इनको हिंदी में क्या बुलाते हैं, बिट्टू को बिट्टू ही बुलाते हैं, ठीक है, सॉड फिश हो गई, इत्यादि, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है लार्जेस्ट फिश, ठीक है, सबसे बड़ी मछली कौन सी है। तो इस धरती की सबसे बड़ी मछली जो है वो है आपकी व्हेल शार्क। बच्चे देते हैं बेटा, अभी बैट्स के बारे में पढ़ाया नहीं है, वेल नहीं है, एम्फीबियन नहीं बताया, तुम बताओगे किंग कोबरा सर इच्छाधारी नागिन क्या देगी, कुछ नहीं देगी, क्योंकि तो इच्छाधारी नागिन नहीं होती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी मछली इस धरती की कौन है, वेल शार्क, ठीक है, ब्लू वेल मछली नहीं होती है, स्तनपायी जानवर है ब्लू वेल, ठीक है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि आपकी कुछ मछलियां मलेरिया के ट्री मलेरिया से बचने के लिए, मलेरिया मॉस्किटो एग एंड लार्वे ईटर, ठीक है, मलेरिया के मच्छर की अंडे वे इल्ली को खाती है। तो ये तो आपने सी टेट में भी पढ़ा होगा, कौन सी मछली है ये, वेरी गुड, ठीक है, गैम्बूजिया, 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 या फिर आप इसे दूसरा नाम एक और याद रख लीजिएगा, अगर ऑप्शन में गैम्बूजिया ना देखे तो,
कैटफिश, ये दोनों ही आपकी मच्छर के अंडे व इल्ली खा सकती। शाक में हड्डी नहीं होती, हाँ उपास्थीय मछली है। बहुत सारी मछलियां बोनलेस होती है ना। किस बेसिस पे एग्जांपल? बेटा सबसे पहले एग्जांपल पढ़ रहे हैं हम पाइसेस के, जो याद रखने हैं आपको। सर गंबूजिया थोड़ा अच्छे से समझा। एक मछली होती है जिसको गंबूजिया बोलते हैं, ये मलेरिया के मच्छर व अंडे व इल्ली को खा लेती है। तो तालाब में या फिर जहाँ पे भी आसपास में पानी जमा हो और उस पानी को तुम ढक नहीं पा रहे हो, तो ये मछली ला के छोड़ दो, ठीक है, ये अंडे व इल्ली खा जाएगी मच्छरों को। क्लियर है? इतना क्लियर है सभी को? और अगर ऑप्शन में ना दिखे मछलियां, मतलब गंबूजिया नहीं दिखे, तो दूसरी मछली कैटफिश भी यही काम करती है। सर बताइएगा। शिवम कुमार क्या बताऊं? सर सबसे बड़ी मछली फिश तो ब्लू वेल है ना? नहीं है, ब्लू वेल स्तनपाई है, मछली नहीं होती। ब्लू वेल डॉल्फिन होती है। नाउ माइग्रेशन इन फिश, मछलियों में प्रवास। ये प्रवास या तो आपका प्रजनन के लिए होता है या फिर खाने की तलाश में होता है, ठीक है। तो दो तरीके के प्रवास देखने पड़ को मिलते हैं। एक मिलता है दैट इज कैटाड्रोमस, मतलब समुद्राभिगामी, समुद्राभिगामी। समुद्राभिगामी का मतलब अगर कोई मछली फ्रेश वाटर से समुद्र की तरफ जा रही है, ठीक है, तो ताजे पानी से नदी वगैरह से समुद्र की तरफ जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं कैटाड्रोमस। उदाहरण इसका सबसे अच्छा ईल, ठीक है। और दूसरा होता है, ठीक है, दैट इज एनाड्रोमस, एनाड्रोमस समुद्रापगामी। ठीक है, तो अगर कोई मछली समुद्र से फ्रेश वाटर ताजे पानी की तरफ आ रही है, नदी वगैरह की तरफ आ रही है, ठीक है, तो समुद्र से ताजे पानी की तरफ, तो ऐसी मछलियों को हम बोलते हैं एनाड्रोमस। उदाहरण सबसे अच्छा इसमें हिल्सा और सालमन, हिल्सा एवं सालमन। सर एलिगेटर और घड़ियाल अलग अलग होते हैं। अरे बताए देंगे भैया, अभी मछली के बारे में पढ़ रही हो। होल्ड फिश नहीं, गोल्ड फिश होता है। होल्ड फिश कौन सी होती है? सर ये कुछ पल्ले नहीं पड़ा। देखो मछलियों में प्रवास, जानवर प्रवास क्यों करते हैं? या तो खाने की तलाश में करते, बट ज्यादातर जानवर आपका प्रजनन के लिए प्रवास करते। तो ऐसी कुछ मछलियां होती है जो प्रजनन करने के लिए ताजे पानी से समुद्र की तरफ जाती है, कुछ मछलियां समुद्र से ताजे पानी की तरफ आती है। तो कोई अगर आपसे कोई पूछ ले एक मछली है जो कि प्रजनन के लिए, ठीक है, गंगा नदी से अरब सागर की तरफ जा रही है, और वो मछली कौन सी होगी? ईल होगी, ठीक है। अरब सागर से गंगा नदी की तरफ आ रही है, वो कौन सी होगी? हिल्सा होगी, सालमन होगी। ईल में इलेक्ट्रिक करंट होता है? हाँ जी। लैम्प्रे के बारे में बताएं सर, लैम्प्रे के बारे में क्या जानना है तुम्हें, पहले ये बताओ।
लैम्प्रे साइक्लोस्ट्रोम्स होती हैं, फिशेज में नहीं रखा गया, सर्कुलर माउथ वाली फिश होती है, एंशंट फिशेज बोला जाता है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? किसी को अभी तक कोई भी डाउट? चलो, एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियन, उभयचर उभयचर के उदाहरण। उभयचर के उदाहरण ईल दिखा दो। ठीक है, प्रैक्टिस कब कराएंगे? पहले पढ़ तो ले, प्रैक्टिस की काकी। ठीक है, उभयचर के उदाहरण। उभयचर के उदाहरण में सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है, फ्रॉग, मेंढक, टोड, विषैले मेंढक, ठीक है, आपका क्या बोलते हैं, सेलेमेंडर। एम्फीबियंस का डेफिनेशन तुम लोग बताओ, एम्फीबियन का होता है, बायो वालों, छोटी क्लास में तो यही होता है कि भाई जो जमीन पे रहते हैं, जो पानी पे रहते हैं, उन्हें एम्फीबियंस बोलते हैं। तो जो पीआरटी वीआरटी वाले हैं, ठीक है, जो एसएसटी कंप्यूटर साइंस वगैरह ये सब के, उनके लिए तो यही चलेगी, बायो वालों से पूछ रहा हूँ मैं। तो फ्रॉग, मेंढक, विषैले मेंढक, सेलेमेंडर। सेलेमेंडर आपका बिल्कुल छिपकली जैसा दिखने वाला जीव होता है, बट छिपकली या जहरीली नहीं होती, सेलेमेंडर जहरीले होते हैं। मेंढक में विषैले मेंढक भी होते हैं, हाँ, उन्हें टोड बोला जाता है। क्लियर है सब? गो ही आ सर, गो गो छिपकली होती है, यहां नहीं आती। ठीक है, तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियंस। नेक्स्ट थिंग इज एग्जाम्पल ऑफ रेप्टाइल्स। सरीसृप के उदाहरण, ठीक है, तो सरीसृप में आते हैं आपके टॉर्टोइस, करछुए, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, एलिगेटर, घड़ियाल, लिजर्ड, छिपकली और स्नेक, सांप, और भी बहुत सारी चीज आती है, इत्यादि। ठीक है, तो टॉर्टोइस, कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल, लिजर्ड और सांप। अब जो पूछ रहे थे सर, मगरमच्छ और घड़ियाल में अंतर क्या होता है, किसकी डेफिनेशन? राकेश कुमार, सर कछुआ भी तो दोनों जगह रहता है, तो फिर उभयचर क्यों नहीं है? यही तो जलवा है। तो जिनका मुंह वी शेप का होता है, जिनका मुंह वी शेप का होता है, और जिनका मुंह यू शेप का होता है, तो वी शेप के मुंह वालों को हम मगरमच्छ कहते हैं, यू शेप के मुंह वालों को हम घड़ियाल कहते हैं। ठीक है भैया, तब से चिल्लाए जा रहे हो मगर मच्छर।
टर्टल और टॉर्टोइस में क्या अंतर है? टर्टल समुद्री होते हैं, टॉर्टोइस ज्यादातर लैंड पे बताते या फिर रिवर्स में बताते। अनामिका कुमारी सर, एम्फीबियंस का डेफिनेशन बता दीजिए। द ऑर्गेनिज्म हुज रिप्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन वाटर इज सेट टू बी एज एम्फीबियन। ऐसे जीव जिनका प्रजनन पानी के ऊपर निर्भर करता है उनको उभयचर कहते हैं। क्रोकोडाइल, एलिगेटर और घड़ियाल अलग अलग होता है। मगरमच्छ और घड़ियाल एक होते, एक जो तुम बोल रहे हो ये वाले शेप के, ये लंबी चोंच वाले, ऐसे ऐसे वाले बोल रहे होगे ना तुम, ऐसे मुंह वाले जिनका मुंह ऐसा लंबा सा होता है, ठीक है, आगे की तरफ निकला हुआ, इनको साइंस में ग्लेवियन बोलते, और ये होता है भारतीय घड़ियाल। दिल्ली एगोन लैंड नहीं, जिनका रिप्रोडक्शन पानी पे निर्भर करता है उनको हम एम्फीबियंस कहते हैं। कछुए का रिप्रोडक्शन पानी पे निर्भर नहीं करता, इसलिए कछुआ एम्फीबियन नहीं है। क्लियर है, जल्दी बता दो। ठीक है, अब देखो, लिजर्ट्स में हमारे घर में जो मिलती है, ठीक है, हाउस लिजर्ट, इसको अपन बोलते हैं गेको, और सबसे बड़ी लार्जेस्ट जो होती है, पहले डायनासोर हुआ करते थे बट डायनासोर चटक गए, अब है कोमोडो ड्रैगन। ठीक है, ओनली पॉइजनस, एकमात्र जहरीली, कोई भी छिपकली जहरीली नहीं होती है, एकमात्र जहरीली जो होती है वो होती है गिला मॉन्स्टर, गिला मॉन्स्टर जिसको हम हीलियोडर्मा भी बोलते हैं, कैलिफोर्निया में मिलती है हीलियोडर्मा। ड्रैको, फ्लाइंग लिजर्ड, उड़ने वाली छिपकली। ड्रैको, सर जी गो जहरीली होती है? नहीं होती है, गो को मॉनिटर लिजर्ड बोलते हैं, गांव में बिस्कोपड़ा बोलते हैं, चाहे खोपड़ा बोलते हो चाहे खोपड़ा बोलते हो, ठीक है, केवल एकमात्र जहरीली पूरे वर्ल्ड में जो है वो गिला मॉन्स्टर है। सर कैमिलियन आर ऑल्सो द कैटेगरी ऑफ लिजर्ट्स। गेको स्मॉलेस्ट है? नहीं, स्किंक होती है सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट रेप्टाइल गेको नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज स्नेक्स, सांप। भारत में फोर पॉइजनस मिलते, भारत में चार जहरीले, सभी के नाम आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है, कोबरा, करैत,
रसल्स वाइपर, सॉ स्केल वाइपर, दुबोइया अफाई, इन सभी में सबसे ज्यादा जहरीला, मोस्ट पॉइजनस, सबसे ज्यादा। तो इन सभी में सबसे ज्यादा जहरीला कौन सा है? दैट इज करैत। कोबरा को आप नाग भी बोलते हो, और किंग कोबरा और नाग दोनों अलग अलग होते हो। सर आप 6 बताए थे। हाँ, किताबों में 4 ही दिया हुआ है, गूगल पे 6 मिलेंगे। गेहुआ अलग होता है बेटा। लिजर्ड की वजह से फूड पॉइजनस हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं होता। कईयो आदिवासी प्रजाति छिपकली का अचार बना के खाती है, उनका तो आज तक नहीं हुआ, तुम लोगों का हो जाता है। आलतू फालतू के बात मत किया करो। अच्छा हाँ, गेहुअन बोल रहे हो ना? हाँ, कोबरा ना कोई गेहुअन बोलते हैं। हाँ सही बोल रहे हो, मेरे को लगा तुम बोल रहे हो किंग कोबरा को गेहुअन बोल रहे। इतना क्लियर है भाई? इतना क्लियर है? लिजर्ड की बॉडी में जहर होता है ना सर? अरे कब पागल हो गई हो, जब लिखा हुआ है सामने ओनली पॉइजनस, एकमात्र जहरीली छिपकली, जहां सारा छिपकली का फैक्ट दिया हुआ है, एकमात्र जहरीली छिपकली गिला मॉन्स्टर होती है, हीलियोडर्मा बोलते, कैलिफोर्निया में मिलती है, तुम्हारे भारत में नहीं मिलती है। काय पगला रही हो तब से? भारतीय घड़ियाल, एक और बार, भारतीय घड़ियाल ऐसे होते हैं, ग्लेवियन बोलते। करैत क्या होता है? सांप होता है, और क्या होता है? खेलने की चीज थोड़ी है। चलो तो ये तो हो गया भारत के बारे में, ठीक है। मोस्ट पॉइजनस स्नेक वर्ल्ड में, सबसे जहरीला सांप विश्व में, विश्व में सबसे जहरीला सांप होता है इनलैंड ताइपन, अंतर्देशीय ताइपन। पर लिजर्ड की चर्बी में नशा तो होता, कुछ नहीं होता। ठीक है, फास्टेस्ट स्नेक कौन है? सबसे तेज, सबसे तेज, सबसे तेज स्नेक पूरे वर्ल्ड का है ब्लैक मामबा। ठीक है, ओनली स्नेक दैट फॉर्म नेस्ट, घोंसला बनाने वाला सांप,
ठीक है, तो घोंसला बनाने वाला सांप है आपका किंग कोबरा। ठीक है, और लार्जेस्ट स्नेक, सबसे बड़ा है रेटिकुलेटेड पाइथन, जालीदार अजगर। ब्लैक मांबा, MAMBA, क्लियर सर? मांबे की स्पीड क्या होती है? ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर। टॉप स्पीड क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट थिंग इज, अब एक साइड लिखना बर्ड्स, एविस बर्ड्स, और एक साइड लिखना मैमल्स, पक्षी और स्तनपाई। तब भगा जा सकता बचने के लिए। हाँ भग लो। जालीदार अजगर कैसा होता है? अजगर जैसा होता है और कैसा होता है? अभी दिखा देंगे, पहले पढ़ लो। ठीक है, नौ, हैबिटाट, आवास। ठीक है, एरियल या अर्बोरियल कह रहा हूँ, एरियल या फिर, हाँ यही तो है, अर्बोरियल। ठीक है, या तो वायु में मिलते, हवा में मिलते, या फिर वृक्ष पर। स्तनपाई आपके हर जगह मिलते हैं, चाहे जमीन ले लो चाहे पानी ले लो, हर जगह। ठीक है, बॉडी, शरीर, इनकी कवर्ड विथ फेदर, पंखों से घिरी। ठीक है, इनका, ठीक है, कवर्ड विथ हेयर्स। बालों से गिरी। एक्सटर्नल ईयर, बाहरी कान। नो, यस। ठीक है, देन आपका ब्लड, रक्त, रेड, रेड, बट ये वार्म ब्लडेड होते, उष्ण रक्तधारी होते, ये भी आपके वॉर्म ब्लड होते, उष्ण रक्तधारी होते। सर मिड डे मील में अगर वो गिर जाए तो बच्चे बीमार हो जाते हैं। अच्छा, उष्ण रक्त। सर बर्ड सुन सकते हैं? बिल्कुल सुन सकते हैं।
सुन तो रेप्टाइल भी सुन सकते। उष्ण रक्त, उष्ण रक्त ठीक है। देन हार्ट चैम्बर, हृदय प्रकोष्ठ ठीक है, हृदय प्रकोष्ठ चार, इधर भी चार। देन आपका ओवी पेरस, वीवी पेरस, अंडायुज जरायुज, ये कैसे होते हैं? ओवी पेरस होते हैं, अंडे देते ठीक है, और ये कैसे होते हैं? वीवी पेरस होते हैं, बच्चे पैदा करते। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? वीवी पेरस होते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, इसका एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है कि कुछ मैमल ऐसे भी होते हैं जो कि आपका क्या करते हैं, कुछ मैमल ऐसे भी होते हैं जो कि आपका क्या करते हैं, दैट इज अंडे देते हैं। सब बर्ड्स के पैर खोखले, पैर नहीं खोखले होते, हड्डी खोखली होती है। ये सब क्या चल रहा है सर? ये हम अंतर पढ़ रहे हैं कि तुम्हारे में और बर्ड में अंतर क्या है ठीक है। तो एक तो है प्लैटिपस, एक है आपका क्या प्लैटिपस, और एक है आपका इकाइडना से ही। क्लियर है? क्लियर है? सर किस जानवर की सबसे मजबूत हड्डी होती है? सही एग देता, हाँ जी सर। सबसे मजबूत बोन किसका होता है? सबसे मजबूत बोन गेंडे का होता है। कहाँ पाए जाते? सही तो जंगलों में पाए जाते हैं, प्लैटिपस आपके ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। या फिर आप इसी को, इकाइडना को स्पाइनी एंट ईटर भी बोलते, चीटी खोरा भी बोलते, चीटी खोर। अरे अभी सबकी पिक्चर दिखा दूंगा, जरा डट जा, पहले ये समझ लो टॉपिक। क्लियर है? तो ये एक्सेप्शन है। अब आ जाओ एग्जाम्पल पे। देखो एग्जाम्पल बर्ड्स में दो टाइप की बर्ड्स मिलती है, एक फ्लाइटेड बर्ड और एक फ्लाइटलेस बर्ड। तो सबसे पहले तो आपको इसके एग्जाम्पल पढ़ने ठीक है। उड़ान रहित, उड़ान रहित पक्षी में आते हैं कौन कौन से? ऑस्ट्रिच ठीक है, ईमू, कीवी, पेंगुइन, पेंगुइन और डोडो। डोडो ठीक है, तो शतुरमुर्ग, ईमू, कीवी, पेंगुइन और डोडो। बट डोडो आपके
विलुप्त हो चुके, एक्सटिंक्ट है। तो डोडो आपके कैसे हो चुके, विलुप्त हो चुके। सब बर्ड्स का स्केलेटन खोखला होता है, सारी बर्ड्स का नहीं, जो उड़ती हैं उनका खोखला होता है, जो उड़ती नहीं है उनका ठोस होता है। सब कीवी फ्रूट भी है। हाँ जी ठीक है। लार्जेस्ट बर्ड आपकी कौन सी है, शतुरमुर्ग है, स्मॉलेस्ट कौन सी है, सबसे छोटी, ऑस्ट्रिच, हमिंग बर्ड। सबसे बड़ी, सबसे छोटी, डोडो का पिक दिखाइए। दिखा मैंने कहा ना सबके फोटो दिखा दूंगा, पहले एक टॉपिक समझ लो ठीक है। और एग्जाम्पल ऑफ मैमल्स, स्तनपाई के उदाहरण, ठीक है, लार्जेस्ट सबसे बड़ा, अर्थ पृथ्वी में, लैंड जमीन पर, ठीक है, अर्थ पे है आपका कौन, ब्लू व्हेल, ठीक है, जमीन पे है आपका कौन, एलिफेंट। हाथी, और नीली बेल। ठीक है, फ्लाइंग मैमल, उड़ने वाला, उड़ने वाला स्तनपाई जीव है बैट्स, चमगादड़। इन्हीं को उड़ती लोमड़ी भी बोलते हैं, फ्लाइंग फॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी शक्ल लोमड़ी जैसी मिलती है। इंटेलिजेंट, बुद्धिजीवी सबसे ज्यादा, बुद्धिजीवी है आपकी डॉल्फिन, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट मैमल है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फ्लाइटलेस, और एक और था ना बर्ड में, फ्लाइटेड, उड़ान सहित, जो उड़ पाती है उड़ान सहित, जो नहीं उड़ पाती उड़ान रहित। ठीक है, और एग लेइंग मैमल आप यहां दे चुके हो। अब देखो ये टर्म आए थे, वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड, जो अपनी बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखते, स्थाई रखते, जैसे हम सब अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते, स्थाई रखते। हम सबका बॉडी टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री, इसलिए हम सारे वार्म ब्लडेड है। जो स्थाई नहीं रख पाते, जिनका बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता रहता, वो होते हैं कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर एनिमल। अब बताओ कौन कौन सी की फोटो देखनी है तुम्हें।
कोल्ड क्या है, जो अपने बॉडी टेम्परेचर को नहीं चेंज कर सकते, ठीक है, सॉरी, जो बॉडी का टेम्परेचर जिनका फ्लक्चुएट हो रहता रहता है, जैसे कि आपका क्या बोलते हैं रेप्टाइल्स का, फिशेस का, इन सब का बॉडी टेम्परेचर चेंज होता रहता है। रेटिकुलेटेड पाइथन देखना है, लो, रेटिकुलेटेड पाइथन। जेलो गई है, जेरा तुम्हारा रेटिकुलेटेड पाइथन। इनलैंड टाइपन देखना, डोडो दिखाइए, डोडो। गेरी डोडो, और क्या देखना है, इलेंट टाइपन देखना है किसी को, इलेंट टाइपन, अंतर्देशीय टाइपन, मोस्ट पॉइजनस स्नेक इन द वर्ल्ड। ये रहा भैया इनलैंड ताइपन तुम्हारा, और बताओ और किसकी फोटो दिखाएं। उड़ने वाली छिपकली क्या है सर, ड्रैको। ये रही तुम्हारी ड्रैको, उड़ने वाली छिपकली। और ये सब मनोरंजन के लिए चला रहे हैं क्या? हाँ, यहां मनोरंजन चल रहा है, तुम्हें दिक्कत है कोई? मनोरंजन चल रहा है यहाँ पे, अभी डांस भी होगा। क्लियर है? सब बर्ड्स वाले स्लाइड दिखा दीजिए, ये लो बर्ड्स वाली स्लाइड। ये सारी की सारी फ्लाइटलेस बर्ड, ऑस्ट्रिच, ईमो, कीवी, पेंगुइन, डोडो। डोडो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, मॉरिशस में मिला करती थी, मीट के लिए खा ली गई। सबसे बड़ी बर्ड ऑस्ट्रिच होती है, सबसे छोटी क्रोकोडाइल और एलिगेटर में बताया ना बेटा, मुंह का फर्क रहता है। जिनका वी शेप में मुंह दिखता है वो आपके क्रोकोडाइल होते हैं, जिनका यू शेप में मुंह दिखता है वो आपका होते हैं, दैट इज क्या बोलते हैं, एलिगेटर्स। शुतुरमुर्ग कैसा होता है, आप शुतुरमुर्ग देख लेना। ज्योग्राफी की क्लास है नेक्स्ट, हाँ कल से फर्स्ट टू फिफ्थ तक का होगा सर। अच्छे अच्छा PYQ आप करवा देते, मोहम्मद इस्माइल आलम, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। तुम्हारी लगता है पहली चीज तो तुम पहली बार, मतलब दूसरी बार आए हो ना मेरी क्लास में,
मैंने हर क्लास में एक चीज बोली है, एग्जाम देने से पहले, एग्जाम का नेचर समझो और पता करो कहाँ से प्रश्न आते। अब अगर तुम इतने ही सिंसियर स्टूडेंट होते तो तुम्हें पहली बार पता चलता कि पहली बार बीपीएससी ऑर्गेनाइज कर रहा है ये शिक्षक भर्ती का एग्जाम, पहली बार। तो इसका मतलब तो पहली बार जब हो रहा है तो पीवाईक्यू नाम की चीज तो होगी ही नहीं मार्केट में। पर क्या करे, हम सारे के सारे लपू झन्ने हैं, हमको है ना टीचर पे तो डिपेंड होना ही होना है। सारी चीज टीचर पढ़ा के देगा, हम खुद से रिसर्च तो करना चाहते नहीं है किसी चीज के बारे में। तो जब तुम्हें यही नहीं पता कि एग्जाम पहली बार बीपीएससी करवा रही है, पीवाईक्यू इसके मिलेंगे ही नहीं कहीं पे भी, तो कहाँ से भाई तैयारी करने बैठ गए हो तुम? हाँ, तो मैं पीएससी की, अगर पीवाईक्यू चाहिए तो पीएससी के उठा के करते रहो, उनमें से एक क्वेश्चन नहीं आना।